हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार में कितने प्रमंडल है और किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। हम जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिला हैं और 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है और इस प्रमंडल के अंतर्गत कुछ जिले आते हैं। हर एक प्रमंडल के अंतर्गत इस एक एक जिला आता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल, ये है एक पहला सबसे पहला तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में सबसे पहले आता है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर यहाँ सीतामढ़ी आता है, सीतामढ़ी और ये छोटा सा जिला, सबसे बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर भी तिरहुत परिमंडल में आता है, मुजफ्फरपुर, और वैशाली, ये सभी जिले तिरहुत परिमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो तिरहुत परिमंडल के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिला आता है। कितने जिले आते हैं? तो तिरहुत परिमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है। उसी तरह हम आगे जानते हैं सारण परिमंडल के बारे में। सारण परिमंडल में सबसे पहले आता है गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है। फिर हम देखते हैं पटना के बारे में। तो सबसे पटना प्रमंडल में सबसे पहला जिला, सबसे पहला जिला पटना हो गया, फिर ये जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, और कैमूर, जिसे भभुआ भी के नाम से जानते हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आ गया पटना, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। तो इसके अंतर्गत है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंतर्गत भी कितने जिले हैं? तो 6 जिला है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल के बारे में। पूर्णिया प्रमंडल के बारे में जानेंगे तो इसमें सबसे पहले इधर पूर्वी छोर से सटा हुआ किशनगंज, किशनगंज, फिर अररिया, पूर्णिया, और कटिहार, कटिहार आता है। इसके अंतर्गत 4 जिला आता है, 4 जिला आता है। अब देखते हैं हम दरभंगा प्रमंडल में। तो दरभंगा प्रमंडल में सबसे पहले आता है मधुबनी, मधुबनी, फिर दरभंगा और समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इसके अंतर्गत 3 जिला आया। अब सुपौल में देखेंगे तो सुपौल के अंतर्गत भी 3 जिला आता है, जिसमें सबसे पहला हो गया सुपौल, फिर मधेपुरा, फिर सहरसा,
सुपौल प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिला आया। अब हम देखते हैं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत, तो इसमें आता है बेगूसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और आ गया जमुई। ये आता है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत है 5 जिला, 5 जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आता है। अब हम देखते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत, तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आएगा गया, इधर से शुरू करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नालंदा, फिर अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, और ये यहाँ है शेखपुरा, ये जो है शेखपुरा आबादी में सबसे छोटा जिला शेखपुरा। तो मगध के अंतर्गत है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंतर्गत भी आ गया 6 प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के अंदर भी 6 प्रमंडल है और मगध प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 प्रमंडल है और पटना प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 प्रमंडल है। अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं भागलपुर प्रमंडल, जिसमें सिर्फ 2 है, एक भागलपुर और एक बांका। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल के अंतर किस किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।